हेलो गाइस, दिस इज़ योर एडी नील एंड वेलकम टू माय चैनल नील्स व्लॉग। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं तिमी तारकू एंड फिर वहाँ से जाएंगे हम रावंगला बुद्धा पार्क। सो गाइस, अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं और आज का जो व्लॉग है वो जो स्टार्ट हो रहा है वो है ऑफ रोडिंग के साथ। सो गाइस, अभी हम थोड़ा सा लेट निकले हैं आज क्योंकि मेरे दोस्त को थोड़ा काम था, तो उसका काम ख़त्म होते ही हम निकले हैं। सो अभी हम निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। सो गाइस, अभी देख रहे हो आप कितना गंदा रास्ता है। अरे बाप रे, इतना कीचड़ ही कीचड़ है यार। गाइस, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपना बाइक धोया था, फिर गंदा हो गया। गाइस ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बैक कटिंग चल रहा है यहाँ पे, ताकि रोड को थोड़ा सा चौड़ा किया जाए, तो उसकी वजह से थोड़ा बैक कटिंग चल रहा है और रास्ता थोड़ा ख़राब है। कोई नहीं, चलो देखते हैं, अब आ चुके हैं तो देख लेते हैं अब कैसा है। ओ भाई गाइस, ये क्या है, स्विमिंग पूल? गाइस ये तो स्विमिंग पूल आ गया रोड के बीच में, जिसको भी नहाना हो गाइस यहाँ पे नहा सकते हो। अगर ज़्यादा गर्मी लग रहा हो, पानी बहुत ठंडा है, नहा सकते हो यहाँ पे आराम से। हमको तो नहीं नहाना था तो हम तो निकल गए। तो अगर जिसको नहाने का मन कर रहा हो गाइस, ज़्यादा गर्मी लग रहा हो, तो ज़रूर नहाए, मज़ा आएगा ठंडा ठंडा पानी से, पहाड़ का पानी। सो गाइस, इतने देर बाद अभी हम फिर से थोड़ा सा अभी अच्छे रास्ते पे आए, पिच रोड में। अभी थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं ताकि हम थोड़ा अपना जो डेस्टिनेशन है वो थोड़ा जल्दी कवर कर ले, वरना क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो हमें जहाँ अच्छा रास्ता मिल रहा है वहाँ पे हम थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं, पर फिर भी इतना ज़्यादा भी स्पीड नहीं कर रहे, लिमिट में ही। सो मिलते हैं, देखते हैं अब कहाँ तक होता है ये रास्ता अच्छा। गाइस, अभी हम पहुंच गए तिमी तारकू मार्केट एंड अभी से ऊपर है थोड़ा टिमिटी गार्डन, वहाँ पे अभी हम जाएंगे एंड वहाँ पे देखते हैं क्या है, थोड़ा फोटोग्राफी वगैरह करेंगे। और सो गाइस, दिस इज़ तिमी तारकू मार्केट। अभी यहाँ से चलते हैं हम, यहाँ पे लगता बारिश हुआ था। तो गाइस, अभी हम यहाँ पे तिमी तारकू में, अभी थोड़ा बारिश हो रहा था बाहर, तो फिर हम यहाँ पे रुक गए। और अभी तो हमने सोचा थोड़ा खाना खा लेते, खाना भी नहीं खाया था, तो अभी हम यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं यहाँ पे एक लोकल रेस्टोरेंट पे, तिमी तारकू में ही है। गाइस, अभी किशोर ने मंगाया है मोमो, वेज मोमो, और यहाँ रोहन भाई का है मैगी, आटा मैगी, आटा मैगी। और ईशान भाई भी खा रहे हैं मैगी, मैंने अपने लिए मंगवाया है एग हुआ है भाई। सो अभी हम खा लेते हैं। गाइस, अभी हमने यहाँ पे खाना खा लिया एंड अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। थोड़ा हल्का बारिश तो हो रहा है पर फिर भी अभी हम जा रहे हैं और देखते हैं रावंगला के साइड में कैसा है। अगर बारिश हो रहा होगा तो या प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, प्लान थोड़ा सा चेंज कर देंगे। इफ़ बारिश नहीं हो रहा होगा तो रावंगला जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो गाइस, पूरा ऊपर तो काला हो रहा है, वेदर तो लग रहा है बारिश होगा, फिर भी देखते हैं, अभी जा रहे हैं, अभी कैसा होगा आगे। हम्म,
गाइस अभी हम है तिमी तारकू में और अभी हम है टी गार्डन के बीचों बीच और आप यहाँ का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है, व्यू बहुत ही प्यारा है। सो आप भी यहाँ का थोड़ा सा सिनेमेटिक का एंजॉय करो। गाइस अभी यहाँ का हो गया फोटोग्राफी वगैरह, जो भी वीडियो वगैरह था सब हो गया। अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं पर अभी यहाँ पे थोड़ा बारिश शुरू हो गया तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। गाइस यहाँ पे बारिश शुरू हो गया और इस साइड पे तो देखो इस साइड पे तो कुछ बारिश हो रहा नहीं, वहाँ पे धूप लगा हुआ है। यहाँ पे बारिश हो रहा, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गया तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। सो गाइस आपको ये टी बी टी गार्डन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे बीते हुए वापिस जा रहे हैं रोहन भाई, अपनी बीजी सक्यो ईशान भाई, अपनी बीजी सक्यो दर्द कौन सा है बिल्डर के मेले मेरे मदद। गाइस अभी हम यहाँ पे दामदंग पहुँच चुके हैं, अभी हम दामदंग से जा रहे हैं राबंगला। यहाँ से अभी राबंगला जो है 12 किलोमीटर है और वो जो है 5 बजे तक बंद हो जाता है राबंगला, जो बुद्धा पार्क है वो 5 बजे बंद हो जाता है। तो हम उससे पहले थोड़ा पहुँचने की कोशिश करेंगे, पहुंच गए तो फिर अंदर का भी आपको व्यू वगैरह दिखा देंगे। एक्चुअली ये बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया हम लोग को, अब से मेरे दोस्त के पास जो है रेनकोट नहीं था तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, तो वैसे करके थोड़ा लेट हो गया। तो अभी जाके देखते हैं हम क्या होता है, कितने बजे पहुँचते हैं। अभी तो 4 बज चुका है, सो उसे हमें 5 बजे से पहले पहुँचना है राबंगला। 12 किलोमीटर है अप्रॉक्स, आधा घंटा शायद लग जाए हमें क्योंकि रफ रास्ता है, तो आधा घंटे में अगर पहुंच जाए तो भी ठीक है, आधे घंटे में तो घूम लेंगे थोड़ा बहुत और आपको भी दिखा देंगे जितना हो सके। पूरी कोशिश करेंगे लाइक 4:30 बजे तक तो पहुंच जाए हम वहाँ पे। तो चलते हैं, अभी यहाँ पे बारिश इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, वहाँ पीछे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था गाइस, बहुत ही ज़्यादा, तो अभी यहाँ पे कम है तो थोड़ा अच्छा हो गया, ठीक हो गया। तो चल रहे हम गाइस, ये जो रास्ता है ना बहुत ही ज़्यादा नैरो है, यहाँ पे हमेशा स्लो चलना, पर क्या है हमको थोड़ा सा रास्ता का आइडिया है तो इसलिए हम थोड़ा सा तेज़ी चल रहे हैं। जिसको यहाँ पे रास्ता का आइडिया नहीं है वो गाइस थोड़ा सा धीरे चलना क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा है, वो किसको दिखता नहीं है तो डायरेक्ट उड़ा देते हैं। अपने रास्ते भाई, गाइस यहाँ से आप ऊपर जाओ तो यहाँ से आप सुबह सुबह आओगे अगर यहाँ पे तो आपको सनराइज़ का व्यू देखने को मिल जाएगा, इसको सनराइज़ व्यू पॉइंट भी बोला जाता है, पर आपको सुबह आना पड़ेगा उसके लिए। गाइस फाइनली हम पहुँच गए राबंगला, अभी एंट्री कर रहे हैं राबंगला में। यहाँ पे भी थोड़ा हल्का बारिश तो हो रहा है, टाइम हो गया 4:22, हम वहाँ से निकले थे 4:03 में और अभी हो रहा 4:22। ये है मार्केट। सो गाइस अभी यहाँ से बुद्धा पार्क जो है आगे, ये अंदर यहाँ से अंदर ही है, बस पहुँच ही गए, अब देखते हैं हमको अंदर घुसने देता है कि नहीं देता है। गाइस इतना हम चला रहे, इतना दूर से हम आए हैं आपके लिए, आप लोगों के लिए। सो गाइस थोड़ा लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर दिया करो गाइस, ये सब मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, इतना बारिश में भी आ रहा हूँ। अब हम तो यहाँ पे पहुँच तो गए हैं,
गाइस ये जो आप यहाँ पे जो बॉल देख रहे हो, यहाँ पे लाइक 7 बॉल्स है, वहाँ से टोटल 7 है यहाँ पे। तो अभी यहाँ क्या किया जाता है कि विश मांग के इस बॉल में यहाँ पे डाला जाता है, और माना जाता है कि लाइक आप जो विश मांगते हो वो पूरा हो जाता है। सो आप देखो यहाँ पे कितने लोगों ने विश मांग के यहाँ पे डाला हुआ है। डाल दी ना, आज शायद आपको दिख रहा होगा, देखिए सो यहाँ पे सब कॉइन्स है, यहाँ पे सब ने अपना विश मांगा हुआ है और डाला हुआ है। गाइस जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा फॉग लग चुका है, अगर आप यहाँ पे 5 बजे के बाद आते हो तो यहाँ पे पूरा फॉग लग जाता है। सो आप यहाँ पे कोशिश करना कि 4 बजे या फिर 4 बजे से पहले आ जाओ और यहाँ पे थोड़ा विजिट कर लो। आप हो सके तो 1 बजे 2 बजे तक आने की कोशिश करना, ताकि आपको यहाँ पे व्यू भी अच्छा मिल जाए और सब कुछ यहाँ पे अच्छा दिखे, यहाँ पे व्यू अच्छा मिल जाएगा उस वक्त अगर आप आओगे। अगर आप यहाँ पे 4 बजे के बाद आते हो तो आपको फॉग मिल सकता है, बहुत ही मतलब ज़्यादा ही संभावना है कि लाइक आपको फॉग मिलेगा। सो आपको यहाँ पे व्यू भी इतना अच्छा क्लियर नहीं मिलेगा। अभी जैसे आप देख रहे हो पूरा फॉग लग चुका है हर जगह पे। सो अभी हम भी थोड़ा सा लेट हो चुके थे क्योंकि बारिश था बहुत, फिर भी हम आए यहाँ पे। अभी भी बारिश हो रहा है, फिर भी अभी थोड़ा सा ब्लॉग कर रहे हैं आपके लिए, और आपको यहाँ पे थोड़ा और व्यू दिखाते हैं आपके यहाँ पे। गाइस अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और फॉग भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो अभी मैं रास्ते में सर व्लॉग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वैसे भी पूरा फॉग है तो कुछ क्लियर दिखेगा नहीं। सो गाइस मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो गाइस आपके लिए ही मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। सो गाइस टिल देन स्टे सेफ एंड सबसे ज़रूरी राइड सेफ। सो गाइस मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग पर।